अगर आपको आपके YouTube चैनल को डिस्ट्रॉय करना है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए देखते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं। दोस्तों YouTube चैनल मनोज डे जिस पे 4 मिलियन पर सब्सक्राइबर है वो डिलीट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, हाल ही में मनोज डे के चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है और उनके चैनल को 7 दिन के लिए YouTube ने बैन कर दिया है। तो पहले तो जान लेते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है। देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यानी यूट्यूब के कुछ रूल है। आप बच्चों के रिलेटेड कोई गलत गलत बात नहीं कर सकते, आप हैकिंग से रिलेटेड कोई भी गलत बात अपलोड नहीं कर सकते, या फिर सेक्स अब्यूज हो गया, सुसाइड के बारे में हो गया, ये चीज़ें यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट चीज़ें यूट्यूब पर, तब भी लोग इसका यूज़ करके व्यूज पाने के चक्कर में आपके चैनल की पूरी तरीके से वाट लगा देते हैं। मेरे भी चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, लेकिन वार्निंग स्ट्राइक है। अब ये कैसे आती है, देखिए, पहले यूट्यूब वार्न करता है, भाई आपने रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन किया है, तो आपको ये वार्न किया जाता है। अगर आप तब भी बाज नहीं आए तो फिर और एक स्ट्राइक देती है, पहली स्ट्राइक जो कि अपने मनोज भैया को मिली है। फिर उसके बाद में यूट्यूब 7 दिन के लिए अपना जो अपलोडिंग है वो बंद कर देते हैं। फिर 7 दिन के बाद में आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। फिर अगर आपने कुछ गलती किया, 90 दिनों के अंदर आपने गलती किया यानी 7 दिन के बाद में फिर से आपने गलती किया, तो फिर 14 दिन के लिए आपका जो चैनल है अपलोडिंग बंद हो जाता है। उसके बाद में भी आपने गलती किया तो थर्ड जो स्ट्राइक होती है उसमें आपका चैनल डिलीट होता है। जो वेल नोन फेस होते हैं उनके बारे में हमें पता है कि इनके इनके चैनल डिलीट हो चुके हैं या डिलीट होने वाले हैं, लेकिन ऐसे मैं कई चैनल जानता हूँ 20-20 मिलियन वाले चैनल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। मनोज डे यूट्यूब के टिप्स देते हैं, लेकिन तभी भी उनके चैनल पे स्ट्राइक आई है। ठीक सा जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब गुरु हो और आपके चैनल पे कोई खतरा नहीं है। बड़े बड़े चैनल को मैंने डूबते हुए देखा है। आपको आपका चैनल डिस्ट्रॉय करना है तो आपको हैकिंग, सुसाइड, चाइल्ड अब्यूज ऐसे टॉपिक डालो, चैनल को बर्बाद कर दो। अपना चैनल डिस्ट्रॉय करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। यूट्यूब ने बोला है कि टाइटल में आप ऐसे कीवर्ड डालिए जो कि सर्च हो सके, ट्रेंडिंग में है, उससे आपको रीच मिलेंगी। सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपके हिसाब से आप लिख सकते हो, का जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखो और अपना वीडियो रैंक करिए। 5,000 वर्ड का हमें वहाँ पे स्पेस मिल जाता है। तभी भी लोग बहुत से अनाप शनाप कीवर्ड्स डालते हैं जो वीडियो है उसके बारे में नहीं, अलग ही टॉपिक डालते हैं उस, तो उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ना ही आपके इस पे व्यूज आएंगे और ना ही आपका वीडियो रिकमेंड करेगा यूट्यूब। इसके बारे में यूट्यूब का ये कहना है कि टैग्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर वीडियोज। क्यों, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे आपका वीडियो वायरल होने में या फिर आपकी रीच बढ़ाने में, लेकिन आप टैग्स का थोड़ा बहुत यूज़ करिए। लेकिन भी क्रिएटर्स जो है वो बहुत सारे टैग डालते हैं। मान लीजिए वीडियो का टाइटल है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो इस टाइटल में मनी से रिलेटेड, डॉलर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आप टैग डाल सकते हो, लेकिन विपरीत नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, जवान मूवी ट्रेंडिंग में, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो जवान मूवी का है वो भी टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर टैग्स में डाल देते हैं। आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा आपका चैनल डिस्ट्रॉय होने में, सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ CTR पे ध्यान देना है। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट्स, यानी आपका थंबनेल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लोगों ने वहाँ पे क्लिक करना चाहिए। सिर्फ CTR अच्छा होने से बात नहीं बनेगी, आपको वॉच टाइम भी बढ़ाना है। वॉच टाइम आपके अच्छा एडिट करोगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा और आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको नीच बेस काम करना चाहिए तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपका जो चैनल डिस्ट्रॉय के कगार पे है वो थोड़ा बच जाएगा। CTR के लिए जैसे कि मैंने कहा, थंबनेल आपको अच्छा बनाना चाहिए। बहुत से वीडियोज अवेलेबल हैं, आप अच्छे थंबनेल बना सकते हो। और एडिटिंग के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, फ़ोन से भी अच्छी खासी एडिटिंग होती है। नेक्स्ट वीक मैं एडिटिंग पे एक बेहतरीन वीडियो लाऊंगा जो कि आपके होश उड़ा सकता है। आपका मोबाइल का यूज़ करके आप बेहतरीन एडिटिंग कर सकते हो। ये चैनल को डिस्ट्रॉय करने का नेक्स्ट तरीका है दोस्तों कि किसी को बहुत कॉपी करो, बहुत ज़्यादा कॉपी करो, उसने वो डाला वीडियो तो आपने भी वही डालो, इससे भी चैनल आपका बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अधूरा ज्ञान भी आपके चैनल की वाट लगा सकता है। चैनल जरूरी नहीं दोस्तों कि जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है वही आपको अच्छा बता सकते हो। मैंने बहुत से देखे हैं, हज़ार हज़ार सब्सक्राइबर वाले भी जो चैनल्स हैं लोगों को बेहतरीन ज्ञान देते हैं, क्योंकि एजुकेशन अगर आपका अच्छा हो तो आप डिलीवर भी अच्छा कर सकोगे। तो इसीलिए हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो ये कुछ जेन्युइन और लेजिट तरीके थे, इसका यूज़ करके आप आपके चैनल की वॉच लगा सकते हो।